तुम्हारी जो पूरी गति हो रही है किसकी खातिर हो रही है, कौन बैठा है उस गति के केंद्र में, किसको तुम सबसे अधिक महत्व दे रहे हो, प्रथम कौन है तुम्हारे लिए, महत्वपूर्ण केंद्रीय कौन है तुम्हारे लिए, यही देखना होता है। कोई अपने दफ्तर के चक्कर काट रहा है और कोई गृहिणी है वो घर के ही कमरों के चक्कर काट रही है, दोनों में कोई विशेष अंतर थोड़े ही है। एक ने केंद्र में रखा हुआ है पैसे को और दूसरे ने केंद्र में रखा हुआ है परिवार को। परमात्मा को तो दोनों ने ही केंद्र में नहीं रखा ना। दोनों ही भूल गए कि प्राथमिक क्या होना चाहिए। तो जब ये कहा जाता है कि गृहिणी भुलाए बैठी है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि जो बाजार में व्यापारी है या दफ्तर में कामकाजी है, जो व्यवसायी है, नौकरी पेशा है, उसको याद है ना। गृहिणी भुलाए बैठी है तो जो बाजार में घूम रहा है वो भी भुलाए बैठा है, क्योंकि दोनों ने ही अपने दायरे बना लिए हैं और उन दायरों के केंद्र में सत्य तो नहीं है, कुछ और ही है। उन दायरों के केंद्र में सत्य नहीं है, कुछ और ही है। गृहिणी अपने लिए मजबूरियां और बढ़ा लेती है, बताओ क्यों? क्योंकि वो अपने लिए जो दायरा बनाती है उस दायरे में न सिर्फ केंद्र गलत है बल्कि उस दायरे में सलाखें भी हैं। भूलना नहीं कि देह जीव की एक बड़ी मजबूरी है। होगे तुम आध्यात्मिक, होगे तुम कोई भी, देह का पालन तो करना ही है ना, पेट तो चलाना ही है ना। साधारण ही सही लेकिन कपड़ा तो चाहिए ना। गृहिणी अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेती है क्योंकि उसका अन्न और वस्त्र भी कहीं और से आता है। अब अगर वो अपने दायरे से आजाद होना चाहे तो उसके लिए मुश्किल ज्यादा है। पहली बात तो मानसिक सलाखें, स्त्री है, मोह ममता ज्यादा होती है उसको, परिवार को केंद्र में रखा है, केंद्र को बदलना उसके लिए मुश्किल, मोहग्रस्त है। और दूसरी बात देह की सलाखें, आर्थिक सलाखें, हटना चाहेगी भी तो कैसे हटेगी, अपना साधारण पालन पोषण करना भी वो भूल गई है, आर्थिक निर्वाह की कला भी वो भूल गई है। जितना उसने अपने ऊपर व्यय करना शुरू कर दिया है उतना कमा पाना उसके लिए मुश्किल होने वाला है। तो उसका दायरा अब उसके लिए सिर्फ दायरा नहीं है, एक जेल बन गया है। दो दो चीजें गलत हो गई हैं उसके लिए। केंद्र तो गलत था ही, सत्य को केंद्र नहीं बनाया उसने अपने जीवन का। किसको केंद्र बना दिया? परंपरा को, परिवार को, रिश्तों को केंद्र बना दिया। तो पहली गलती तो ये करी। और दूसरा दुर्भाग्य ये कि अब अगर वो इस दायरे को
तोड़ना भी चाहे तो उसके सामने बड़ी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। खाएगी क्या, कमाएगी क्या, रहेगी कहाँ, पहनेगी क्या? और ऐसा नहीं कि खाना कमाना और पहनना बड़ी कठिन बातें हो, बातें आसान हैं, पर 10 साल 20 साल 30 साल से जब तुमने कमाने की कला ही भुला दी, तो अब एकाएक समाज में निकल के अपने लिए आर्थिक उपार्जन करना मुश्किल पड़ेगा। समझ रहे हो? फिर बाहर निकलो, धन कमा भी लो, लेकिन परिवार में रहते हुए तुम्हें व्यय करने की जितनी आदत पड़ गई थी उतना कैसे कमाओगे बाहर? इतना तो तुम सहजता से कमा सकती हो कि तुम्हारा अपना रोटी पानी चल जाए, पर खर्च देखो ना कितना करने की लत लग गई है तुम्हारी, और जो तुम खर्च करती हो तुम्हारा कमाया हुआ नहीं। अब कोई महीने का लाख 5 लाख खर्च करता हो और बाहर निकले और कमा पाए 10,000 20,000, तो उसको तो झटका ही लग जाएगा ना। और जब दिखेगा उसको कि बाहर निकलेंगे तो उतना नहीं कमा पाएंगे जितना घर की चार दीवारी में रहकर खर्च कर देते थे, तो वो बाहर निकलने से ही इनकार कर देगी, वो जेल से बाहर आने से इनकार कर देगी, वो जेल को ही कहेगी बहुत बढ़िया है, कारावास नहीं है स्वर्गवास है। तो मैं जब कहता हूं कि गृहिणी दुखद स्थिति में है, तो उससे आशय ये मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूं कि जो बाजार में है वो सुखद स्थिति में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कारोबारी बन गए, व्यवसायी बन गए, या कहीं तुम नौकरी पेशा हो गए तो तुमने परमात्मा पा लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केंद्र तो दोनों का ही गलत है, केंद्र तो दोनों का ही गलत है, पर गृहिणी का मामला ज्यादा खेदजनक इसलिए है क्योंकि उसके लिए बाहर आना अपेक्षाकृत ज्यादा मुश्किल है। उसने अपने लिए आर्थिक बाधा खड़ी कर ली है, उसने अपने लिए एक अतिरिक्त अवरोध खड़ा कर लिया है। मानसिक अवरोध तो दुकानदार के सामने भी है और गृहिणी के सामने भी। दुकानदार भी कहता है कि मेरी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है दुकान से, इसको केंद्र से कैसे हटा दूं? मेरी प्रतिष्ठा जुड़ी है, मेरा पैसा जुड़ा है, मेरी आदत जुड़ी है। जैसे गृहिणी का मोह और तादात्म्य है घर से, वैसे ही व्यापारी का मोह और तादात्म्य है दुकान से। तो उस हद तक दोनों के लिए बाहर आना मुश्किल है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गृहिणी के पास एक अतिरिक्त बाधा है। वो अतिरिक्त बाधा क्या है? आर्थिक। क्योंकि घर पर रहकर व्यय तो करना उसने जान लिया है, सुविधाओं का उपभोग करना तो उसने जान लिया है, और बाहर निकलकर उन्हीं सुविधाओं को अपने दम पर अर्जित करने की कला उसने भुला दी है। ऐसा नहीं कि बाहर निकलकर अर्जित करने का सामर्थ्य नहीं है उसमें, सामर्थ्य होगा, पर सामर्थ्य को जरा चमकाना पड़ता है,
सामर्थ्य को ज़रा कसरत देनी पड़ती है, सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ती है ना, नहीं तो वो सामर्थ्य संकुचित हो जाता है। हमारे हाथों में तो सामर्थ्य होता है ना, पर सामर्थ्य कायम कैसे रहता है? जब हाथ चलते रहें, हाथ जितना वजन उठाते रहते हैं, वजन उठाने का हाथों का सामर्थ्य उतना बना रहता है, बचा रहता है और बढ़ता रहता है। और गृहिणी ने आर्थिक सामर्थ्य का अभ्यास छोड़ दिया है। वो एक बार अपने आप को घर में सीमित कर लेती है, उसके बाद वो अर्थव्यवस्था, दुनिया के ज्ञान, इन सब से अपने आप को काट लेती है। वो घर से बाहर निकले तो उसके लिए ज़रा कठिनाई आती है, उसको समझने में मुश्किल आती है कि दुनिया चल कैसे रही है, इसके रंग ढंग कायदे क्या हैं, अर्थव्यवस्था में नया ताज़ा क्या है, क्या रंग हैं, क्या ढर्रे हैं, किन क्षेत्रों में प्रगति है और उन क्षेत्रों से लाभ कमाने के लिए कौन से ज्ञान, कौन सी कुशलताएं चाहिए, वो इन क्षेत्रों में पिछड़ती चली जाती है। चूंकि पिछड़ती चली जाती है, इसीलिए परिवार पर उसकी निर्भरता बढ़ती चली जाती है। सामर्थ्य उसमें भी है, पर वो सामर्थ्य सो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है। जैसे कि कोई आदमी अपने किसी अंग को बिल्कुल मेहनत न दे, व्यायाम न दे, तो वो अंग कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यही हाल गृहिणी अपना कर लेती है। ऊंची से ऊंची व्यवसायिक शिक्षा पाई हो, हुनर हो, ज्ञान हो, कला हो, पर अगर कोई अपने आप को 10-20 वर्ष घर में ही सीमित कर ले तो उसके बाद उसे क्या बाजार रास आएगा? वो बाजार से बाहर नहीं हो जाएगा? वो तिथिबाह्य नहीं हो जाएगा, आउट ऑफ डेट? भले ही शिक्षा वही पाई हो जो औरों ने पाई थी, पर अभ्यास भी तो करना पड़ता है ना। अब घर पे रह के अगर सिर्फ अभ्यास कर रहे हो चूल्हे चौके बिस्तर पानी का, तो फिर अर्थव्यवस्था में तुम कैसे समायोजित हो पाओगे?